ये सारा आर्टिफिशियल फवारे बनाए हुए मोटर लगा के कोई ये स्पेशल बैच चिकन टिक्का प्लस मटन पुलाव। देखिए अली कहाँ गुस्सा, अली दादा अंदर नहीं जाना, गिर जाओगे और यहाँ से मेरा कैमरा गिरा तो कैमरा टूट जाएगा यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है वलीद तारिक और आप देख रहे हो वलीद तारिक व्लॉग्स। हाय दया। तो आज हमारा दरअसल सीन कुछ ऐसा बना है कि हमारा सडनली प्रोग्राम बना के हम लोग खुड़फकान में जाए को पैसा बर्बाद और आप पिकनिक प्लेस में जाए और अपने आप को फ्रेश करे। सो आज सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे जाके इंशाल्लाह आपको हम पूरा कंप्लीट व्यू दिखाएंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और आपके आगे हम वो चीजें रखेंगे जो शायद मे भी आप लोगों ने देखी ना हो, उन चीजों की फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, मटन पुलाव ले लेते हैं और साथ कोई चिकन टिक्का या चिकन कढ़ाई ले लेते हैं। ठीक है यार, खाने के साथ बोतल तो लाजमी होनी चाहिए, पीने के लिए बोतल भी ले लेते हैं। पकड़ो, खोलो ये, बैठो, मसला नहीं है। अबे हम तो पिकनिक में जा रहे हैं, हमारे साथ साथ ये भाई भी पिकनिक में जा रहे हैं लकड़ियां शकड़ियां लेके। I am grateful to the Allah for all of the benefits in my life. Thank you Allah for the food I eat. Thank you for the people I greet. Thank you for all your rahmat on me. We appreciate all of your kindness. हमारी कस्टमाइज गाड़ी है ये। प्राइस कितनी है? 3 लाख से लेके 5 लाख तक। शर्म पाक व्हील वाला? पाक व्हील वाला तो बहुत है भाई, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, गाड़ी में तो ग्रोथ है। कार तो यहाँ पर आपको एक से एक देखने को मिलेगी भाई। अभी डक्की भाई ने भी परचेज की थी कार, और डक्की भाई ने गन्ना करवा लिया अपना। हाँ वो देखे कल का भी लोगों ने देखा, उसने बोला 6 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मैं गंजा हूँ। अभी वो गंजा भी करवा लिया अपने और क्रीम शेयर भी करवा लिया। व्लॉग्स बना रहा है, यूट्यूब से पैसा मिल रहा है उसको, वो गंजा भी होगा, वो और भी कुछ बहुत कुछ करते हैं अगर उसको सब्सक्राइबर मिले। तो ये इस वक्त हम लोग आ गए सहरा साइड में, अभी इसके आगे हम लोग जब जाएगा अभी तकरीबन सहरा है, सारा रेगिस्तानी इलाका है पूरा, ये सारा रेगिस्तानी इलाका। इससे आगे हम लोग जाएंगे माउंटेन साइड आएगी, फिर माउंटेन से आगे जाके हमारी जो मेन मंजिल है, मेन पॉइंट से हम उस जगह तक पहुंचेगा, फिर आपको वहां पहुंच के हम आगे दिखा देंगे। जनाब कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? मजा आ रहा है, रोड की ड्राइविंग मजा आ रहा है। अली बेहतरीन है, जिसको देख के रुके ना उसने मुंह भी नहीं लगा रहा। तो जनाब इस वक्त हम लोग मौजूद है, ये जो जगह है ये माउंटेन एरिया वाली साइड है, अभी मैं आपको उसको कंप्लीट एक्सप्लोर करता हूँ, कंप्लीट एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। कैसा लग रहा है अली? फिलहाल तो बेहतरीन लग रहा है, आगे का नहीं पता भाई मौसम। अभी आगे जाके पूरा माउंटेन एरिया ही है, तो इनके पीछे जाके वहाँ लेक भी है। ये दादा यहाँ पर अभी लोग आए हुए काफी सारे, सो लोग एनवायरमेंट को एंजॉय करें, लेकिन अभी हमने इससे भी और भी आगे जाना है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर आए हुए, रास्ते में थक गए थे, ड्राइव कर करके कमर में दर्द हो गई, तो हम लोगों ने बोला क्यों ना यहाँ पर रुके, थोड़ा रेस्ट करें। और देखे सब लोग यहाँ पर ना गाड़ी रोक के, ये देखे सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लाइन से रुकी हुई है, सब लोगों ने गाड़ी अपनी लाइन से रोकी है, रोक के यहाँ पर थोड़े शूटिंग वूटिंग कर रहे, वेदर को एंजॉय कर रहे। ये देखे पठान भाई की पावर, रोड के ऊपर ही अपनी हाईएस्ट के अंदर फ्रूट रखा हुआ और सेल कर रहा, बिजनेस है बिजनेस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दो। सो इस वक्त हम लोग पहुंच गए माउंटेन एरिया के पास जहां पर हमने जाना है, ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो वहां पर वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है। सो मेन हमारा एग्जैक्ट पॉइंट वहां पर ही है। सो अभी हम आप देख सकते हैं कि हम लोग यहां पहुंच गए माउंटेन एरिया पूरा, आप रोड को देख सकते हैं, रोड की क्वालिटीज देख सकते हैं, टोटल यूरोपियन क्वालिटीज के अंदर रोड बनाए हुए, वेल क्वालिटीज के अंदर। ये ड्राइविंग के दौरान बेहतरीन किस्म का फील आ रहा है। वासित भाई ड्राइविंग के दौरान कैसा फील हो रहा है आपको? ये दो उंगली वाला? अच्छा ये वाला, ये वाला। पूरा रोड जाम हो गया, मे बी के आगे कहीं ना एक्सीडेंट हुआ होगा, इस वजह से पूरा रोड जाम हो चुका है यहाँ पर। अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रैफिक हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं पूरा रोड जाम है, जबकि नॉर्मल इस रोड की जो स्पीड है 130-120 किलोमीटर की स्पीड से रोड है, ठीक है।
अच्छा मासिद भाई, ये जो जितने प्यारे यहाँ पे माउंटेन और ये रोड बना हुआ ना, सेम टू सेम ऐसे ही रोड और ऐसा व्यू ना हमारे बलोचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान में। हम लास्ट टाइम पाकिस्तान में था, हम लोग बाइकों के ऊपर गए थे, उस जगह का नाम है क्या कहते हैं टप्पो पॉइंट की साइड बलोचिस्तान। सेम यही व्यू, यही माउंटेन, इसी तरीके के रोड बने हुए टप्पो पॉइंट के साइड। रोड के ऊपर तो रोड को जो गाड़ी आती जाती गाड़ी होगी उनको डैमेज करेगा, नुकसान है। पर हमारे पाकिस्तान में ये सीन नहीं है, पाकिस्तान में बंदा जाए, पाकिस्तान में बंदा जाए कोई टेंशन नहीं है। एक दो दफा हम जा रहे हैं नारा जा रहे थे, रास्ते में जो है ना ऊपर से पत्थर आए, हमने सोचा भाई किसी ने उठा के मारे सर पे, क्या किया है, स्लाइडिंग हो रही थी। तो यहाँ पर देखे इस तरीके से सीमेंट लगाया हुआ सब माउंटेन। इस वक्त जो व्यू आ रहा है ना वो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि कितना अच्छा वेदर है यहाँ का। इस वक्त क्या व्यू देखने को मिल रहा है, ये कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं किया जा सकता जो खूबसूरती इस वक्त वाजे हो रही है। जरा कमेंट सेक्शन में हमें बताया कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह का व्यू देखने को मिलता है या नहीं मिलता, और इस तरह के माउंटेन है या नहीं। ये सारा आर्टिफिशियल फवारे बनाए हुए मोटर लगा के, कोई वो कुदरती तौर के पर ये ना वाटरफॉल नहीं हो रहा, ये वाटरफॉल बनाया गया है। वासिद भाई आप ड्राइविंग कर रहे हो फाइन माल, ये जो हरकत कर रहे हो उसके 800 दरम का फाइन है। तो सामने छुट्टा खड़ा हुआ है, ये लेना है क्या चीज बचाने के लिए? हाँ ले लो, ये ले लेना, हाँ ये पकड़ लो। तो जनाब फाइनली हम लोग खुरफ खान की साइड में पहुंच गए, माउंटेन साइड में, और उस साइड का बीच आप देख सकते हैं, उस साइड पे पूरा बीच है। अभी आई थिंक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। उस साइड में वाटरफॉल है जो मैंने आपको शायद दिखाया होगा, पर यहीं बिछा लो यार, बिछाओ बिछाओ खाने के लिए जगह बिछाओ और बैठेगा यहाँ पर खाएगा, गिल्ला तो नहीं है, आ जाओ। ये अल्लाह मटन पुलाव, अरे तो गिरा दिया आपने, रिव्यू करना कैसा ली चेक करो, सही है बेहतरीन। ये साथ उन्होंने चटनी दी है टमाटर वाली, हाँ ये टिक्के के साथ दी लड़की से, टिक्के के दोनों पटा टिक्के की है स्पाइसी है लड़की पटा। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, राग नहीं कर रहा तेरा नहीं। ये स्पेशल बैच चिकन टिक्का प्लस मटन पुलाव। मजेदार है, उसी तक डालो ना इस तक, तो चाय चटनी डालो अभी रोटी के साथ, चटनी जरूर लग जिसी तरह कटोरी लग दी, पहले बोतल पिए यार। रिव्यू कर रहा हूँ भाई कोर्स का, चलो भाई सारा कचरा अंदर डालो छापों में, चलो। जगह का नाम है, ये जगह का नाम है खुरफ खान साइड,
तो ये ट्रैवलिंग पिकनिक प्लेस बनाया है उन्होंने, मतलब कि घूमने फिरने के लिए। हाँ अली जी, ऐसा ही है? पता नहीं यार मुझे, आपको क्या नहीं पता? मुश्किल नाम है, नाम जबान भी नहीं। अच्छा काम की चीज़ ये देखे कि इन्होंने कम्प्लीट वो कम्प्लीट माउंटेन के ऊपर बनाया हुआ है, जितना भी टोटल पिकनिक प्लेस है। अभी आप ये देखे कम्प्लीट इन्होंने माउंटेन की साइड पे बनाया हुआ है कम्प्लीट। और बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आई हुई है इस चीज़ को एंजॉय करने, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अभी नेशनल डे की वजह से कुछ छुट्टियाँ चल रही है, तो छुट्टियों में लोग आए हुए इस जगह पर। और तकरीबन ये दुबई से तकरीबन ये 150 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। 150 किलोमीटर मीन्स क्या, ऑलमोस्ट आपको 2 से 2.5 घंटे लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अभी आपको मैं बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है और आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, ओरिजिनल कुदरती तौर पर नेचुरल वाटरफॉल नहीं है। ये देखें अली, इस वाटरफॉल के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्यों हमारे पाकिस्तान में से ज़्यादा अच्छे वाटरफॉल हो रहे होते हैं? बिल्कुल पहाड़ का कलर भी चेंज है। अल शलाल, ये क्या लिखा हुआ? अल शलाल नहीं, अल शलाल, अल शलाल। जितना ये लोग इस वाटरफॉल को देखने के लिए यहाँ पर आए, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान में जो इससे ज्यादा नेचुरल ब्यूटी के ओरिजिनल वाटरफॉल हो रहे होते हैं नेचुरल, ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल को देखने के लिए लोग कितने दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। तो देखिए वो आ रहा है पानी ऊपर से, ये ऊपर से पानी आ रहा है। और आई थिंक मेरे ख्याल से सारी मोटरें लगी हुई है, और इस पानी का कलर जितना व्हाइट उन्होंने बनाया ना उतना व्हाइट है ही नहीं। टेंशन लेने की बात नहीं, हमने जब रोड क्रॉस करना है गाड़ियों ने खुद ब खुद रुकना है, पाकिस्तान की तरह आगे नहीं गाड़ी आएगी, रुकेगी। हम लोग पाकिस्तान में खड़े हो जाए वहाँ पर गाड़ियाँ खुद ब खुद आगे मारती है टकरे। फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो राजा एलएमटी भाई। देखो नहीं, वलीद तारिक ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब और फॉलो दोनों करो, ठीक है ना, लाजमी। अच्छा ये सारे यहाँ पर ना अभी ये काम चल रहा है, रेनोवेशन का टोटल काम चल रहा है यहाँ पर। देखो ग्रासिंग की जा रही है, देखे ये पाइप लाइनिंग दी हुई है पानी के लिए, ताकि खुद ब खुद यहाँ पर पानी स्प्रे होगा इन पौधों के लिए। अभी यहाँ की ब्यूटी के लिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये देखिए अभी हम बीच में आ गए, अली भाई के काम देखे, अली कहाँ गुस्सा, अली का दादा अंदर नहीं जाना, गिर जाओगे। और यहाँ से मेरा कैमरा गिरा तो कैमरा टूट जाएगा यार। क्या है वो सारे के 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 आओ नीचे चल के देखें आप, एक केकड़े का तो वो नजर आ रहा है, वो केकड़े नजर आ रहे हैं, वो केकड़े। देखिए इस वक्त अभी हम सी साइड के ऊपर खड़े हुए, बड़े बड़े रॉक के पीस है यहाँ पर, इसके ऊपर हम खड़े हुए, ठीक है। और सामने आप देखिए समुंदर, वी आई पी समुंदर है। और ये सारी हमारी टीम है, हमारी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर देखिए नहीं, वो दिखाने वाली चीज़ नहीं है। और बैक साइड में वो जो वाटरफॉल हो रहा था, वो देखिए वाटरफॉल वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर वाटरफॉल हो रहा था। और वाटरफॉल को देखते हुए हम लोग आ गए यहाँ पर। अभी यहाँ पर इशू क्या, मज़ा क्या है पता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। हाँ गिर गया तो गया, अच्छा ये देखें इन्होंने इस चीजों को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया चीजों को, कुदरत को, कि उस साइड में वाटरफॉल हो रहा है सही है, और इस साइड में सी साइड बना दिया इन्होंने, इस साइड पर सी साइड बना दी है, उस साइड में वाटरफॉल किया जा रहा है, फुल ट्रेवलिंग प्लेस बना दिया इन्होंने। जिस तरीके की कराची की मच्छी मार्केट है, उस तरीके की यहाँ पर ये देखो मच्छी मार्केट की तरह यहाँ पर रश लगा हुआ है। अपने भी मच्छी देख लो भाई,
नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करने हमने मच्छी भाई, ऐसे है ना मत, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करो भैया, घुमा फिरा के बात समझ नहीं आती। आज के दिन बहुत ज्यादा पब्लिक आएगी, इस वजह से हम ज्यादा और कुछ शूट कर नहीं सकते, तो फिर इंशाल्लाह आगे जाके शूट करेंगे। अभी ये मगरिब का टाइम हो गया और सूरज गरूब होने पे उधर आया है। तो चले जनाब आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू आते तो चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।